जो हर नंबर ऊपर ली साइड है उधर जाना चाहिए। कृष्ण सर आए थे देखो फिर नंबर होता पर पकड़े नहीं जाता। ठीक सर ऐसा ही इधर ऐसा ही इधर ठीक सर। डंडे लाठी है आपके पास अपने डंडा लाठी साथ ले लीजिए जिसपे कपड़ा पहनने का है वो कपड़ा अपना पैर के जाए। ठंड का मौसम है जमुना में वैसी ठंड होती है तो हमने तीन तीन आदमी दो नाके के शुरू हो जाएंगे। बाकी कितनी टीम में बनाएंगे आप गांव की सर्च के लिए सतम साहब? एक गली की एक टीम बना दीजिए साथ में मुलाजिम ये घर घर जाना देखना चाहेंगे हर घर में कुल्ले कुल्ले कर एक घर में चेक कर ठीक है ना। नाके तीन तीन मुलाजिम अभी दे दीजिए ठीक है लगाइए आप ठीक है। और बाकी मुलाजिम जो है दो दो मुलाजिम इनको छह टीमों में बांट दी छह दो बारह और कितने बच गए तीन बच गए तीन एक की जगह अपनी जी आर भी निकली एक नाके जितने सर्च कर लें उसके बाद इनमें से लगा देंगे ठीक है। एक जी आर भी को थोड़ी सी इसमें होना क्या तीन मुलाजिम को आप करिए इनको जैकेट पहन रखिए सारे गांव निकल गया था जी बाहर देखने में उसी टाइम की लग रही है एक परसेंट इसमें चांस बता रहे अनुमान ही है बस एक ही परसेंट एक ही परसेंट चांस है वो तो कल वो कल वो तो सुबह इसमें चलो उसमें तो पता लग जाएगा अगर बाई चांस मान ले बाहर मान ले या मान ले किसी बिल्डिंग में या मान ले गन्ने में खेतों में मान ले वैसे बच्चा सो जा या मान ले घबरा जा मार जब का इफेक्ट हो अगर ठंड का मौसम है जितनी दूर में घूमे उसकी अगर स्मेल भी ले तो चार साल का बच्चा जिस नाम का बच्चा जो है करीब साढ़े तीन साल की उम्र है जी वो शाम को करीब पांच बजे से गायब है और थाने में करीब साढ़े सात आठ बजे सूचना पहुंची है हमारी टाइम 112 पहुंची उसके बाद मौके पर हमारे आईओ आए हैं और अभी बाकी हमने एक रिजर्व बुलाई है डॉग स्क्वाड भी बुलवाया है आगे तलाश की कोशिश करेंगे। तो हर संभव मदद कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से की जा रही है सर। प्रशासन की गोताखोरों को सूचित कर दिया गया था परंतु रात का समय होने के कारण उन्होंने कहा है जी हम सुबह सर्च अभियान चला पाएंगे जी और रात को किसी भी जगह में पानी में उतरना जो है वो संभव नहीं है जी। चलो ये तो गांव को तो पता है कि कितना गहरा है परंतु बाहर से जो आदमी आता उसको नहीं पता होता कि कितना गहरा है फिर इसमें जोड़ जैसे उसमें गारा वगैरह भी है। तो डॉग स्क्वाड को इतला कर दिया सर अभी पहुंच रही है मौके पर इतला कर दी है जो ही वहां से गाड़ी वगैरह अवेलेबल होती है पहुंचेगा। तो हरे वगैरह भी लगाए जाएंगे जैसे जो नाके हैं क्योंकि पहले आपने देखा इंद्री में एक जस हत्याकांड हुआ था कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य ने कोई ऐसी हरकत की थी सर ऐसा है उसमें हम पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे। गांव में जो एंट्री है एग्जिट और एंट्री है वहां पर भी जो टीमें हैं या गांव के जो पहरे हैं वो लगा दिए जाएंगे तो परिवार के सदस्य क्या मांग करते हुए नजर आ रहे हैं? परिवार के सदस्यों अभी तो डॉग स्क्वाड की है डिमांड बाकी गांव के सर्च अभियान की भी है वो सर्च भी अभी चलाएंगे। तो अभी घर घर जाकर के सर्च अभियान चलाया जाएगा? हाँ अभी सर्च अभियान करेंगे जी। कितना गहरा है? 11 बजे नहीं पानी हो गई
पानी है या कीचड़ है इसमें? ऐसा जी बच्चा जो मान लिया आदमी भी कोई भी गिरेगा दस नई दस सका अगर जा दूर दूर किनारा किनारा पे देखने की जरूरत है। हाँ जी किनारे किनारे देखने की जरूरत है, अंदर तो जा ही नहीं सकता सारा, उसकी जरूरत नहीं है। वो तो यार रस्सा लेगा दो चार आदमी बाहर रस्सा पकड़ सकता है, आदमी अंदर भी जा सकता अपने आप कोशिश कर ले। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इंद्री के गढ़पुर टापू गांव में हम मौजूद हैं। बहुत ही दुखद हादसा होता है, तकरीबन 3-3.5 साल का बच्चा तेजस जो कल अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है। पूरा गांव उसको जो है रात भर ढूंढता रहा, सुबह ढूंढता रहा, पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस की टीमों ने ढूंढा, लेकिन आज सुबह एक बहुत ही दुखद समाचार मिलता है कि घर के सामने ही ये जो आप एक जोड़ देख रहे हैं, गंदे पानी का तालाब देख रहे हैं, इसमें से जो है तेजस की बॉडी जो है निकाली जाती है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, पूरा गाँव इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठा है। हादसा बहुत ही दुखद हुआ, 3-3.5 साल का तेजस जो है आज आप देख सकते हैं इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ उसके साथ, हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रही है, लेकिन हो सकता है कि यह हादसा ही हो, बच्चा खेलते खेलते इस जोड़ में गिर गया हो, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। इस समय उनके गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं, कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर बहुत ही दुखद है, कितने बजे जानकारी मिली कि तेजस जो है घर से अचानक गायब हो गया? सर 4:30 बजे हम यहाँ इकट्ठे थे, यही हमारे पास बैठा हुआ था, खेल रहा था यहीं पास में, वो कई बार ना सड़क की तरफ निकल जाता था, तो अब वाले यहीं बैठे बैठे हमने पता नहीं लगा कदमना वो चले गया, कदमना नहीं, हमने सोचा भी बाहर सड़क पे निकल गया, शायद सड़क पे चले गया या इधर चले गया स्कूल की तरफ, तो इस चक्कर में रह गए जी। हमने जोड़ का तो बहम ही लगाया, हमें ना ये डाउट था भी जोड़ में रोज खेल रही था यहाँ भी, ताकि भाई कभी जोड़ में नहीं गई, ऐसा तो हमने समझे नहीं था। तो फिर पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को जानकारी दी, पहले तो अपना आप टोया जी काफी देर, 2 घंटे तक तो हम जमुना जमुना की तरफ इधर गांव गुआंड में वो करी, उसके बाद फिर पुलिस को बुलाया गया, पूरे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया, पूरे गांव में जी रात को मेरे से 1:30 बजे तक चला सर। तो सुबह क्या पता चला? सुबह भी हमने माले चिगिरदी घूमे फिरे, तो जी उसके बाद हमने पानी निकाला, सारी रात निकाला इसका पानी भी, और सवेरे फिर अंजना रखा हमने यहाँ भी दूसरा और निकालेंगे पानी, उसके साथ साथ गांव वाले और लगे कहन भाई जेसीबी के लो उसका खड्डा खुदवा लो, जब खड्डा खोद दिया तो उसमें से नीचे से निकले। तो बहुत ही दुखद है, आप देख सकते हैं इस समय उनके परिवार के तमाम लोग यहां पर मौके पर मौजूद हैं, गांव के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्रशासन से यही अपील की जाती है कि ऐसे गंदे पानी के जितने भी जोड़ गांवों में हैं उनको बंद कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा हादसे पहले भी बहुत से गांवों में हो चुके हैं, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, लबकरी गांव के पास गढ़पुर टापू गांव है, वहां से समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं जो तेजस के साथ रूटीन में खेला करते थे, आज एक दुखद हादसे में आप देख सकते हैं, ये तेजस का ही छोटा भाई है, आप देख सकते हैं उसके साथ यहाँ पर खेला करते थे। तो सरपंच से प्रशासन से अपील करेंगे कि कितने भी ऐसे गंदे पानी के जोड़ हैं उनको बंद किया जाए, कई लोगों की बच्चों की कई बार जान जा चुकी है। आज यहाँ पे इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें पहले भी कई बार पशु गिर चुके हैं, कुछ पशु मरे भी हुई है, और बच्चों का भी इसमें ज्यादातर डर गिरने का रहता ही है, ऐसे जोड़ों को बंद कर दिया जाए। मासूम बच्चे की जान चलेगी, मासूम बच्चे की जान चलेगी, बहुत दुखद घटना है। तो कब से ढूंढ रहे थे उस बच्चे को? तकरीबन कल 4:30-5 बजे से सारी रात ढूंढ रहे थे, पुलिस ने भी सहयोग किया हर घर घर ढूंढने का, और आसपास के सभी गांवों को जानकारी दी गई थी, और आसपास जो गन्ने के खेत है उनमें भी ढूंढा गया था जी बच्चे को, और सुबह जब यहाँ पे मशीन की मदद से पानी के जो पाइप गिरने का बंदोबस्त किया गया और पानी निकालने का काम कर रहे थे, तो जब ही वो उसकी तो पहले लग रहा था कि कोई बच्चे को उठा के ले गया होगा, हाँ ऐसा बहम था कि बच्चे को उठा ले गया या बच्चा किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया, ऐसी भी आशंका थी। तो अब क्या लगता है आपको कि ये खुद डूबा है, शरारत हो सकती है किसी की? नहीं, किसी की कोई शरारत नहीं, कोई दुश्मनी तो नहीं थी किसी से? कोई किसी की दुश्मनी नहीं थी, बच्चा खेलते खेलते ही। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? हाँ जी हाँ कर रही है पुलिस।
वाकई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन करनाल से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। बहुत ही दुखद हादसा इस पूरे परिवार के लिए, इस पूरे गांव के लिए देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं हंसते खेलते तेजस की तस्वीर है, जिसकी दुखद मौत हो जाती है। गढ़पुर टापू करनाल के 30 किलोमीटर दूर यह गांव पड़ता है। तालाब में डूबने से आप देख सकते हैं मौत हुई है। जो गंदे पानी का जोहड़ है उसमें डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पूरा गांव और पूरी पुलिस फोर्स जो है गांव में हर घर की तलाशी ले रही थी कल से, लेकिन आज सुबह जोहड़ से जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी बरामद हुई। पुलिस की टीमें जो है तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला होगा, क्या हादसा इसके साथ रहा होगा। पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से छानबीन कर रही है और इस समय की जो बॉडी है वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाई गई है, जहां पर पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद कुछ ही देर में जो बॉडी है वो इस गांव में पहुंचने वाली है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप गढ़पर टापू गांव से देख सकते हैं। पूरे गांव में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसी जोड़ में हादसा हुआ, इसी जोड़ में हादसा हुआ सर। हम यहीं पर बैठे हुए थे, वहां पर हमने सुबह आज 9:30 बजे के करीब हमें उसकी डेड बॉडी मिली है पानी में से। और हमें पहले भी कई बार प्रशासन को कहा है, अप्लीकेशने भी दी है, पर लेकिन कोई कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला करनाल के डीसी साहब और प्रशासन सभी से भाई हमारे इस जोड़ के बारे में समाधान किया जाए। इस बच्चे की याद आती होगी, खेलता था आपके साथ? हाँ यार, कल खेल ही रहे थे जी, मेरे साथ खेल रहे थे। मैं 4 बजे आ गए थे घर पे। आप क्या लगते हैं बच्चे? मैं तेजस का ताऊजी हूँ। आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही दुखद हादसा हुआ। आप देख सकते हैं तेजस के ताऊ है, ताऊ से बच्चों का बहुत प्यार होता है, हमेशा आपको घुमाने के लिए भी कहता होगा, टॉफी दिलवाने के लिए भी कहता होगा। डेली शाम सवेर में घुमा के लाता था बाइक पे उसके गांव में चीर दी, और मेरे पास ही रहता था ज्यादातर। तो आपको क्या लग रहा था पहले कि कोई उठा के ले गया बच्चे? ऐसा ही लग रहा था भी कोई उठा ले गया, सड़क पे निकल गए बाहर। भाई इस वजह से भाई हमने तो बाहर गई था भैया, खेत की तरफ चले गया किसी के साथ देख के, भाई परिवार में तो कोई जा रहा तो इस कर का जी। तो सुबह पता चला जब जोड़ खाली किया थोड़ा? हाँ जी हाँ, उसके बाद गांव वालों की सुविधा से उसके वाले सहायता से सारे ही आए, गवांड के भी आए, सभी ने कहा भी जोड़ में देखो, जोड़ में देखो। बल्कि तेज उसके पिताजी सारे जोड़ में घूम गए जी, कपड़े निकाल गए सारी में तो नहीं मिला जी। उसके बाद JCB लगा के तो उसके बाद उसके उसमें बोगट में आया, तो जब उसके बाद पता लगा भी हमें उसकी डेड बॉडी में। तो बिल्कुल बहुत ही दुखद है, आप देख सकते हैं। इस जोहड़ को जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए और ऐसे कई गांवों में इसी तरह के जानलेवा जोहड़ जो हैं कई बार देखे गए हैं, कई बार हमने देखे हैं जहां पर बच्चों के डूबने से बच्चों की मौत हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर 3 साल के तेजस की मौत हुई हो, इससे पहले भी ऐसे बहुत से मामले जो है यहां पर सामने आई है। इस समय परिवार के लोगों की आंखें नम है, उनके रिश्तेदारों की आंखें नम है, हर कोई यह चाहता है कि जल्द से जल्द इस जोहड़ को बंद किया जाए और इसके साथ साथ गाँव के जो दूसरे गांवों के इसी तरह के गंदे पानी के जो खुले में जोहड़ हैं उनको जल्द से जल्द बंद जरूर किया जाए।